एक जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ बहुत बूढ़ा हो गया था, उसमें अब पहले जैसी ताकत और फुर्ती नहीं रही। एक दिन बाघ ने सोचा, अब मैं शिकार नहीं कर सकता, इसलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उस बाघ को एक रास्ता सूझा। उसने सारे जंगल में घोषणा कर दी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी जिंदगी अच्छे कामों में लगाऊंगा। अब मैं घास फल खाकर अपना गुजारा करूंगा और निरंतर प्रभु का नाम जपूंगा, इसलिए जंगल के पशु पक्षियों को मुझसे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। कुछ भोले वाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वो कहने लगे, अरे वाह, ये कितना महान संत है, हमें चलकर इसके दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार हर रोज कोई ना कोई जानवर बाघ के दर्शन के लिए उसकी गुफा में जाता। बाघ इन भोले वाले जानवरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता और उन्हें मार कर खा जाता। इस प्रकार बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। एक दिन लोमड़ी को पुण्य आत्मा बाघ के बारे में पता चला। उसने मन ही मन में कहा, मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करती, बाघ भला घास फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है, मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा में पहुंची। गुफा के द्वार पर पहुँच कर वह रुक गई और गुफा के अंदर इधर उधर झांकने लगी। तभी लोमड़ी को गुफा में गए जानवरों के पंजों के निशान तो मिले, पर गुफा से बाहर आए किसी जानवर के पंजे के निशान नहीं मिले। अब चालाक लोमड़ी समझ गई कि ये बाघ कोई पुण्यात्मा नहीं है, ये एक ढोंगी है, और वह सच्चाई का पता लगाने के बाद दरवाजे से ही वापस लौट गई और जंगल में जाकर सारे जानवरों को बाघ की सारी सच्चाई बता दी।